25,000 কিলোমিটার সাইকেলে চড়ে বেরিয়েছেন জাতীয় একজন খেলোয়াড়। 19টি রাজ্য অতিক্রম করে এবারে 20তম রাজ্য ত্রিপুরাতে এসে সাইকেল আরোহী এই খেলোয়াড় পদার্পণ করলেন। নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে সাইকেলে যাত্রা শুরু করেন মধ্যপ্রদেশের আশা মালভিয়া। 25,000 কিলোমিটার সাইকেল চড়ে 19তম রাজ্য শেষ করে 20তম রাজ্য ত্রিপুরা এসে পৌঁছান তিনি। আশা মালভিয়া একজন জাতীয় খেলোয়াড়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এসে খুব ভালো লাগছে ওনার। পাশাপাশি পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করার পর তাদের কাছ থেকে অনেকটা সাহায্য সহযোগিতাও পেয়েছেন তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, সোশ্যাল বাংলা। मालवी हूँ मैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और यहाँ यात्रा मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है। अभी तक मैं, ये मेरा 20वां राज्य है त्रिपुरा, और अभी तक मैं 19 राज्यों की यात्रा कम्प्लीट करके त्रिपुरा आई हूँ। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएँ भारत में भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करती हूँ, पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की है। मैंने 1 नवंबर से इसको भोपाल से शुरू किया है, और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ। और अभी मैं PHQ में हूँ, और आज मैं त्रिपुरा के पूरे पुलिस स्टाफ से मिली हूँ। इनसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और वाकई ये त्रिपुरा का जो पुलिस स्टाफ है, मतलब पूरे स्टेट का, वो हमारे देश की छवि को और पूरे राज्य की छवि को गौरवान्वित कर रहा है। और स्पेशली यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सभी IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, हम सभी से मिले हैं, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, और ये वाकई त्रिपुरा स्टेट के लिए भी मतलब बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। मतलब कितने स्टेट जाएंगे आपको? मैं पूरे ऑल इंडिया कवर करने वाली हूँ, और अभी तक मैं 19 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके, ये त्रिपुरा मेरा 20वां राज्य है, और मैं टोटल 28 स्टेट का राइड करने वाली हूँ 25,000 किलोमीटर से, और 15 अगस्त को इसका समापन मैं दिल्ली में करने वाली हूँ। ये पहले से आपका बचपन का शौक है या? नहीं, बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी, और फिर इसको बनाने का मेरा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है। तो मुझे उसी डर को खत्म करना है, क्योंकि मैं ये राइड अकेले ही कर रही हूँ, और मैं डेली का 100 से 300 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ रोज, 100 से 300 किलोमीटर, और मैं दिन में नहीं, इसको रात को भी करती हूँ। लेकिन मैंने जो देखा है आज देश को, और मेरा प्रैक्टिकल लेवल पर ये मानना है कि हमारा देश एक सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का हर जगह ध्यान रखा जाता है। Enlight Group of Institutions আপনার ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাঙ্গালোরে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। SC ST OBC ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি স্কলারশিপের মাধ্যমে নার্সিং, প্যারামেডিকেল পড়াশোনা করার সুবর্ণ সুযোগ। ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র হোস্টেলে থাকা এবং খাওয়ার জন্য প্রতি মাসে 4,000 টাকা বহন করতে হবে। যোগাযোগ করুন 08095555703 অথবা 9900172894 অথবা www.enlightgroup.org।